हेलो गाइस, दिस इज सना और आप देख रहे हैं ब्यूटी की दुनिया विवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही कमाल का नुस्खा, ग्लिसरीन और कच्चे दूध का कमाल आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी स्किन बहुत खूबसूरत और चमकदार हो जाएगी। विवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, नीचे लगे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करें। व्यूअर्स, अब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्लिसरीन का कमाल। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया है। हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने इसको खुद इस्तेमाल किया, माशाल्लाह से मेरी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो गई है। सर्दियों का बेहतरीन नुस्खा आपके लिए लेकर आई हूँ। ग्लिसरीन ली है मैंने, वर्स ग्लिसरीन जनरल स्टोर पे अवेलेबल है। ग्लिसरीन ली है, उसके बाद इसमें मैं कच्चा दूध मिलाऊंगी और हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ग्लिसरीन मैंने ली है 1 टीस्पून, उसके बाद लेना है मिल्क। मिल्क लेना है हमने, यानी कि दूध, कच्चा दूध लेना है, बॉयल हुआ दूध नहीं लेना और फ्रेश लेना है। मिल्क फ्रेश हो, उसके बाद कच्चा हो, वो भी हम लेंगे 1 टीस्पून। सेम मिकदार लेंगे हम, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। व्यूअर्स, हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको इससे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स किया और ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। उसके बाद हमने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है व्यूअर्स, इससे आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत चमकदार हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। ग्लिसरीन हमारी स्किन की मैल कुचैल को बाहर निकालता है, हमारी स्किन को वाइट करता है, और इसी तरह मिल्क भी हमारी स्किन को वाइट करता है, मैल कुचैल को निकालता है। उसके बाद इससे हमारी स्किन ग्लो भी करती है। अगर फेस पे पिंपल्स हैं तो पिंपल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, चेहरे की गंदगी की वजह से ही पिंपल्स बनते हैं। अगर फेस पे पिंपल्स हों तो चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इससे आपके पिंपल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, दाग धब्बे ख़त्म होंगे। अगर चेहरे पे सियाइयाँ हैं तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, इससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और इससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लो भी करेगी। बस इसको इस्तेमाल किस तरह कैसे करना है, नायलॉन का कपड़ा ले लें आप, या फिर कोई रुई वगैरह ले लें, रुई वगैरह का पाया थोड़ा सा ले लें, उसमें आपने इसको डिप करना है। उसके बाद इस तरीके से आपने हैंड पे अप्लाई कर ले, फेस पे अप्लाई करें, इससे ब्लैक हैंड्स वाइट हैंड्स भी ख़त्म हो जाएंगे, स्किन बहुत ही शाइन करेगी, खूबसूरती का हसीन एहसास आपको घेर लेगा। इससे आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी। बस सिर्फ ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको हर तरह की स्किन वाले बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अप्लाई करें, तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह करते रहें। उसके बाद आप नीम गर्म पानी से फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें। सर्दी है इसलिए आप इसको नीम गर्म पानी से वॉश करेंगे, अगर गर्मी है तो आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। आप इसको सर्दियों गर्मियों में हर मौसम में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको हाथों और पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद काली गर्दन कोनियों पे यूज़ कर सकते हैं, आपकी काली गर्दन बिल्कुल आपके फेस के साथ मैच हो जाएगी इसको इस्तेमाल करने के बाद। बस आपके सामने मैंने लगाया है, ये मैल कुचैल उतर रही है। इसी तरह अगर आप रुई की मदद से करेंगे तो ज़्यादा मैल कुचैल वाजिया तौर पे नज़र आएगी, इससे आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। डेली करने से आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, स्किन वाइट हो जाएगी, उसके बाद आपकी स्किन बहुत ही शाइन करेगी, खूबसूरती का हसीन एहसास आपको घेर लेगा। व्यूअर्स, उम्मीद करूँगी कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।